चाचा जी, आज न जाने की उर्मिला बहुत याद आ रही है। हमने उसके लेटर देकर बहुत बड़ी गलती कर दिया। नहीं बन्ना, हमने बहुत सही किया है, तो चिंता मत कर बेटा, जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आ चल, भगवान करे ऐसा ही हो। तुम्हारी आंखों में आंसू क्या हुआ उर्मिला? बहुत निराश दिख रही हो, क्या बात है? हा? जो नहीं होना था वो हो चुका है उधम। आखिर हुआ क्या है? पिताजी ने हमें घर से निकाल दिया है। क्या ये तो जो लेटर आपने दिया था वो लेटर पढ़ते हैं पिताजी एकदम बौखला गए। उर्मिला ये तो होना ही था। होना था? हाँ उर्मिला। आपको मालूम था? हमको सब मालूम था। उर्मिला तुम्हें मालूम है जिस हवेली में तुम रह रही हो ऐसा आराम की जिंदगी जी रही हो, ओ हवेली किसकी है? हमारी है उदम। नहीं उर्मिला, वो तुम्हारी नहीं है, वो मेरी है। आपकी? हाँ। वो कैसे? मैं महाराज विजय सिंह का इकलौता पुत्र उधम सिंह हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिता की हत्या की और उसका झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया। आज मेरे हाथ से कलम छीन कर मुझे बंदूक उठाने मजबूर करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा बाप है। और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि भंवर सिंह, जिस दिन मैं वापस आऊंगा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उर्मिला ये सब जानने के बावजूद कि आज नहीं तो कल तुम्हारा पिता मेरे हाथों मारा जाएगा, इसके बावजूद अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो आ सकती हूँ मेरे साथ। उधम, मैं तो ऐसा आराम छोड़ के आई हूँ उधम, आप भी ऐसा बोलोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं उर्मिला, हम तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे, हमने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तो फिर आप ऐसे क्यों बोलते हो? उर्मिला मैं आपके साथ हूँ उधम। अपनी बाप की सच्चाई जानने के बाद अगर वक्त पड़ा और तुम्हें अपने बाप पर गोली चलानी पड़ी तो वादा करो तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे। नहीं उधम, मेरे हाथ जरा सा भी नहीं कांपेंगे। तो ठीक है, आओ हम सब अंडे में चलते हैं। अंडे में नहीं, अड्डे पे। हमेशा तुम्हें मजाक सुझता रहता है, अड्डे में चलते। कभी तो सीरियस हो जाया करो। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। अंडा पर एक बात करते रहते हो। चलो मालिक, जिस दिन से मेरा बेटा मेरे नजरों से दूर हो गया है आज तक मुझे मिला नहीं एक महल की रहने वाली, रास्ते रास्ते एक भिखारी जैसे भटक रही हूं अपने बेटे की याद में, गले गले भीख मांगती हूँ, किसी तरह से अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। हे भगवान, मेरे बेटे से एक बार मिला दे। Thank you.
चाचा जी ये आवाज सुन रहे हो आप? हाँ हाँ मुझे सुनाई दिया चाचा जी। जब भी आवाज मेरे कानों में पड़ती है मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा कोई अपना मुझे आवाज दे रहा हो, मेरा अपना मुझे कोई पुकार रहा हो। सही कह रहा है। अरे चाचा जी, अरे बाप, या पागल ही या चाचो डायरणिया। सुनो मेरी बात सुनो। क्या पागल? अरे कोई तुम्हें पागल नहीं कह रहा, वो खुद ही पागल है। मेरी बात सुनो। पागल पागल का मैं कोई तुम्हें पागल नहीं कहेगा माँ। क्या पागल? संभालो अपने आपको माँ जी। अरे चाचा तो फिर भी बस होगा। हमका लागा थे ये बिचारी भूख प्यास से पागल है रे। ए मुन्ना ऐसा कर बटवा, इन नजदीक गांव में जाए के एक खाए पिए के इंतजाम करे, नहीं मर जाई। ठीक है चाचा जी, इनका ख्याल रखना, मैं अभी जाता हूँ। ए यहाँ हो देखा, एक ख्याल रखे हमें के लगे ना जाम नहीं छे चोट आई है। ठीक है, अरे कुछ नहीं करेंगे। हेलो हेलो, अरे सूखा पड़ा देश मां भारी परसा नहीं सवन वाना, सवन वाना, वो सवन वाना।
के आरी आरी घूमे चलत है खेते कई कुछ रोजगार पानी किए है ताकत देख के बड़े जाए परी भैया ये अपन थोड़ से पानी पिए के चर्च बना लिए है चलत है खेते कई नहीं तो लील गाय आ जाए तो सब खेती नाश कई डाल। अरे दोस्त मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, आप दोनों नहीं मैं कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी बात तो सुनो। अरलिए आए कंधे पर काम छा करू दुहाई तो सरदार जी, ये गरीब आदमी की दो रोटी छीन कर क्या करोगे सरदार जी, किसी अमीर आदमी के घर में डाका डालो बहुत सारा माल मिलेगा साहब। नहीं दोस्त, आप गलत समझ रहे हो मुझे, दरअसल ये रोटी मैं अपने लिए नहीं तो बल्कि भूख और प्यास से एक बूढ़ी माँ तड़प रही है, मैं उसके लिए मांग रहा हूँ। बूढ़ी माँ? हाँ दोस्त। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? दोस्त अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चाहते मेरे साथ चल सकते हैं, अपने हाथों से खिला देना। लेकिन लेकिन भगवान के लिए मेरे ऊपर जुल्म मत करना। नहीं दोस्त, आपको हम कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, चलो हम चलते हैं आपके साथ, चलकर देखते हैं। बाजी, बाजी, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लाया हूं। यही बुरी माँ है। रोटी तो नहीं लेकिन मैं पानी पीने के लिए बिस्कुट लेकर के आ रहा था। कोई बात नहीं भाई, कुछ भी दे दो, कम से कम इनको थोड़ा राहत तो। अरे अरे ये कहाँ जा रहे हैं, इनको पकड़ो पकड़ो। अरे बुरी माँ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। ये लो खिलाओ बूढ़ी माँ को, बूढ़ी माँ को खिलाओ। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, अरे उंगली मत चबाओ, ये लो इसको खाओ। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से
लगता है कई दिनों से कुछ खाया नहीं है बूढ़ी माँ ने। आराम से खा बूढ़ी माँ, आराम से। या भगवान, तू भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखाता है मालिक। यार कोई नहीं लेगा, आराम से, आराम से, आराम से, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, आराम से खा लो, आराम से खाओ, बढ़िया, बढ़िया माताजी। अरे आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, अजी आराम से, अरे पानी ले, पानी पहले पानी पूरा जी। बढ़िया अपने बेटे की याद में तुम ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना। बोलो बाजी। ये बूढ़ी माँ बेटा 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 कहकर पुकार रही है, लगता है जी। आज के बाद तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। हम तुम्हारे बेटे उधम से तुम्हें मैं मिलाऊंगा। मेरे बेटे से तुम मिलाओगे? हाँ माजी, सच सच, अगर आप मेरे बेटे से मिला दें तो मैं आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये क्या कर रही है माँ? से मिला दीजिए। तेरे उधम की जिंदगी पहले से नरक से बदतर हो गई है, और तुम पैर छूकर क्यों उसकी जिंदगी को नरक से बदतर और कर रही है? अपने बेटे से मिलना चाहती हो ना तुम? मेरे बेटे से मिला था, मैं अपने बेटे के लिए जी रही हूँ। मेरा बेटा एक बार मेरे सामने आ जाए, चाहे फिर मेरे प्राण क्यों न लेकर। देखो मैं तुम्हारे उधम को बुला रहा हूँ। हाँ, हाँ, मेरे बेटे को आप बुला रहे हैं? बेटा, कहाँ मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? माँ, उधम, तो मेरा बेटा उधम, उधम, उधम। Yeah.
ते मुंडा मैंने ते बस सितम ढाई थी मेरे लाए उस पापी के बातों में आकर के मैंने तुझे बात मारी थी मुन्ना मेरे लाल अपने इस माँ को सिर्फ एक बार अपनी माँ को एक बार माफ कर दे मुन्ना सेवा करूं तेरी दिन रात सदा रहूं मैया तेरे साथ में सेवा करूं तेरी दिन रात में सदा रहूं मैया तेरे साथ में मेरे लब पर तेरा नाम है तू ही मेरी मैया जाब है हेलो हेलो आंसुओं से तू पलकों को भीगती है आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा होता है भाई भाई सर ये होता है हेलो 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 ये हमारे मुंशी भैया ये पुरवा के रहने वाले इस बूढ़ी के लिए 10 रुपया खाने के लिए दे रहे हैं हमारी कंपनी की तरफ से लाख लाख से बेटा आज के बाद तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी मां अरल बाद भवर सिंह की तो आज उसका आखिरी दिन होगा क्या? ओ कैसे बेटा दोस्त दयाराम मुझे खबर मिली है हाँ कि भंवर सिंह और डिप्टी जय नारायण हाँ हाँ आज तुम्हारे घर आ रहे हैं मेरे घर हाँ तुम मेरी माँ को अपने साथ लेकर हाँ अपने घर पहुँचो मैं पीछे से आ रहा हूँ अगर ऐसी बात है तो मैं बूढ़े माँ को अपनी माँ समझकर अपने घर में रखूंगा ये समझूंगा कि एक बार फिर से मुझे मेरी माँ मिल गई ठीक है दोस्त अरे बेटा मुझे छोड़ के तू कहाँ जा रहा है नहीं माँ मैं तुझे कहीं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ जैसे वो तुम्हारे बेटा है उसे मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ आओ मेरे साथ चलो माँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी चलो दोस्त चाचा जी आओ हेलो ये सीताराम भैया काजीपुर माँ बेटे के मिलन में ये भी 10 रुपया दे रहे हैं कह रहे हैं मालिक इतनी बड़ी मुसीबत किसी के ऊपर न दे चलो आवा, हमारे साथ चलो शांत 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 हंसना सख्त मना याद रहे जय नारायण कहिए दोस्त यही मकान है दयाराम नेता का हाँ। आवाज लगाओ उस हरामजादे को बाहर निकाल दयाराम कौन है बे हाँ बाहर निकाल अरे यार भैया हम तमाकू खाना छोड़ दिए अबे बाहर निकलेगा अबे तब आ गया तो घोटकी में लात धर दूंगा साले तेरे घर में दयाराम नेता है? तुझे तमाकू खिलाने आया हूँ मैं तमाकू हाँ आ खा ले अरे मैंने तमाकू खाना बंद कर दिया मैं सिगरेट पीता हूँ हाँ सब मिलेगा हाँ तुझे सिगरेट मिलेगा आज ये पाली मिलेगा अरे यार हमारे जूता में पॉलिश है हाँ तेरी करता हूँ पॉलिश